हेलो गाइस, मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका फिर स्वागत है। तो गाइस, अभी हम निकलने वाले हैं विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए। अभी किशन गाइस आ रहा है, वो फ़ोन किया मुझे सुबह सुबह ही फ़ोन किया, उसी का प्लान था चलने का वहाँ पे। तो वो मुझे फ़ोन किया, तुम्हें मना नहीं कर सकता। तो अभी किशन का वेट कर रहा हूँ, किशन और विजय भैया वो दोनों लोग आ रहे हैं, तो साथ में निकलते हैं गाइस लेके। और विजय भैया बैठे हैं, अब हम बैठ के पीछे चलते हैं, चलते हैं। लेट हो रहा है काफ़ी और फल नहीं लग रहा है देखो गाइस, हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल दर्शन करने के लिए। आज बड़े सौभाग्य से हमारे परम मित्र किशन दुबे जी से मुलाकात हुआ, इस पे बात चला तो भाई ने तैयार हो गया, हम लोग विंध्याचल चलते फिर वहाँ वीडियो दिखाते हैं आगे। तो गाइस, आपको बताया कि पहले भी जो बता दिए थे कि प्लानिंग सब किशन का था, तो किशन गाइस से हम और विजय भाई चल रहे हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज, जो कि आपको दिखाएंगे। और साथ अंदर किशन वीडियो अलाउ नहीं है ना अंदर बनाना? नहीं अलाउ है। हाँ तो गाइस, अंदर जो होगा अगर अलाउ रहेगा तो बना लेंगे, नहीं अलाउ रहेगा तो नहीं बनेगा। हमारी सबसे अलाउ नहीं है, बस वहाँ के 15 लोग रहते हैं वही वीडियो बनाते हैं। आज भीड़ बहुत रहेगा, भीड़ बहुत रहेगा गाइस। जो रहेगा बाहर से आपको दिखा देंगे, अंदर से वीडियो बना देंगे, अंदर से हम कहीं से वीडियो लेके आपको डाल देंगे। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं शास्त्री पुल पे और शास्त्री पुल आपको नजारा दिखाई दिए हैं। कितना होगा जी भैया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर गाइस आ गए हैं। अब देखिए यहाँ ये स्टैंड है गाड़ी और खा करने के लिए, भैया लोग हाथ दे रहे हैं। किशन भैया आराम से, किशन भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाथ दे रहे हैं कि यहीं खा कर लोग बाइक को, लेकिन हम लोग खड़ा नहीं करेंगे, सब लोग हाथ देंगे गाइस कि यहाँ खा कर, यहाँ खा करिए। देखते हैं गाइस अंदर का क्या सीन लग रहा है। सब लोग रुकेंगे यहाँ पे, हम लोगों को कि यहाँ रुकिए यहाँ रुकिए, लेकिन कहीं रुकना नहीं है, हम लोग जाते रहेंगे भी। दुकान नंबर 37 नंबर वाली दुकान लगा हुआ गाइस यहाँ पे। अंदर का व्यू कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। नहीं भाई कहाँ? तो अभी गाइस हम लोग आ गए खाली, अभी चलेंगे दर्शन नहीं करेंगे पहले, हम ऋतिक भैया से मिलवा दीजिए, ये हमारे बड़े भैया हैं। देखिए विजय भैया के बड़े भैया, हम लोग यहीं आते हैं ऋतिक भैया के यहाँ से माला फूल लेते हैं।
और आप लोग भी गाइस आइएगा, दिखे गेट के जस्ट सामने पहले दुकान, दुकान नंबर कितना है? दुकान नंबर 12 के सामने आइए और यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करके भैया अच्छे से प्रसाद देंगे। तो आप लोगों को अगर प्रसाद लेना है तो गाइस आपको यहीं पाइएगा। अभी काम चल रहा है, दे सकते हैं। तो अभी हम लोग गाइस चलेंगे गंगा जी, वहाँ स्नान करेंगे तो उसके फिर दर्शन करने आएंगे ना कृष्ण। तभी हम लोग गाइस गंगा जी तक जा रहे हैं क्या? बस कुछ हाँ देख रहे हो रास्ता, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। स्नान करने के बाद कुछ टाइम तक हम लोग चलेंगे माई विंध्यवासिनी का दर्शन करने। तो गाइस मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, जो पता होगा कहाँ कैसे जाना है विजय भैया को और किशन को पता है, मुझे तो कुछ ऐसे पता नहीं है। जो पता है इन लोग को पता है, ले चल रहे हैं ये लोग गाइड, मुझे ये लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे टूर ट्रेवल्स यही लोग करा रहे हैं, विजय भाई और किशन भाई। चलो भाई की मंदिर है, मंदिर है किधर चलना है? इधर मुड़ना है, इधर देख सकते हैं गाइस हम लोग आ गए हैं घाट पे। गाइस देखो सीढ़ी पे दिखा दो गाइस को। तो गाइस हम लोग फाइनली घाट पे आ गए हैं। अरे हाँ मेरे घर पे ना वो लोग करते हैं, वो अभी अगर देख लेंगे ना वीडियो बनाते हुए मुझे तो वो लोग बोलेंगे कि हेलो गाइस, हेलो गाइस, गाइस हाय गाइस, चिल्लाते रहते वो लोग। तो यहाँ गाइस देख सकते कितना भीड़ है, अधिका जैसी है ना इसलिए, देखिए इतना भीड़ नहीं है। तो देखिए गाइस ट्रिमर आ रहा है वहाँ पे, भगवान दिए 11 कई चढ़ावो केवल भगवान के पार करे रहा गाइस। अभी कुछ चले गए पानी के अंदर और उधर बच जाओ, इधर उधर पानी गलत है, नहीं रे पीछे मत जाओ, मारा ही लगा वो भैया कहां पीछे गया। विजय भैया कथी सर, तो हमारे दिखाने के लिए वीडियो में हर ब्लॉग्स बनाते हैं भाई, ब्लॉग्स 135 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दिया भाई, अपना गर्म कर रहा हूँ, बाकी अब ये नहीं बोलता मिलेगा जो आएगा आएगा, सब्सक्राइब कर दो दोस्त, हम तुम्हारा कर देंगे, मेरा कर दो कुछ नहीं। पनिया भेज देते, भेज देते निकलने वाले फोटो में निकल जाएंगे हम बाहर। Ha 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 ha
तो गाइस मैं स्नान करके आ गया ऊपर, केसी अब गया है और ये भैया अभी ये लोग नहा रहे हैं और मैं दिल्ली आ गया क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था। देखिए वो केसी वहाँ जाता है बास को पाके गया था, एक बात सुनता नहीं, इसको मना की लेकिन बात नहीं सुनता मेरा ये भाई। वो नेवी में काम करेगा ना तो उसको तैरना आता है, वो बनिया तैरना सीख गया है इसलिए वो लकड़ी पा के उधर गया है, देख नहीं सकते हैं गाइस। और विजय विजय के दर्द है, विजय विजय तो यहीं पे, उनको तैरना विजय विजय को इतना आता नहीं। अभी केसी जी को निकल गया, अब तुम निकलो केसी, बाहर निकलो तुम। गाइस यहां पर वीडियो बनाने आ गई है, विजय विजय आ जाओ। तो गाइस हम लोग स्नान करके अब चल रहे हैं अब माँ की दरबार में दर्शन करने के लिए। हाँ चल रहे हैं अभी हम लोग, तो चलेंगे चंदन हम लोग वहीं लगाएंगे, माँ का चंदन लगाएंगे। और वीडियो अंदर नहीं बन पाएगा क्योंकि गाइस अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो अंदर बनाना अलाउ नहीं है, बाहर से तक जहाँ तक वीडियो बन पाएगा वहाँ तक वीडियो बना लेंगे गाइस, उसके बाद वीडियो अलाउ नहीं है। हम लोग आ गए भैया दुकान पे, अब यहाँ से हम लोग लेंगे नदिया चुनरी प्रसाद के लिए, तो यहाँ फिर निकलेंगे बैग वैग यहाँ पर, हम लोग को बैग यहीं पर रखना है ना गाइस, बैग पेपर निकालेंगे यहीं पे, तो उसके बाद हम यहाँ चलेंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग का प्रसाद यहाँ बांध रहे हैं भैया, भैया हमारे हैं हमारे बड़े भैया, विजय भैया के फ्रेंड हैं। प्रसाद सब जो 50 रुपए में मिलता है, 25 रुपए जितना दिल से दे देंगे वो ले लेंगे, दे दोगे ले लेंगे। विजय भैया नाम बताएंगे और कम्प्रोमाइज कर देंगे भैया। देखिए प्रसाद आइए यही पे दुकान में बारह पे ना ताजा दो बाकी पकड़ो किसो भाई। तो गाइस सबका प्रसाद बन जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर दर्शन करने की माँ का। उधर भी दिखा दीजिए दुकान के मालिक। अच्छा ये भैया मालिक हैं, ये भैया यहाँ मालिक हैं, देखिए दुकान के। हाँ शिवाजी कल लग रहे हैं भैया, पंडित है नमन मिश्रा जी, यहाँ के पंडित है यहाँ के। तो अपना भी प्रसाद बन गया है, चले लो ये इसको प्रसाद ले लिए आपके लिए अंदर दर्शन करने के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे अंदर, लाइन क्या लंबी लाइन लगी होती है कि लाइन होती है, जो होगा अंदर आपको दिखाएंगे भाई। समय कहाँ चलना है, इधर से इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था लेकिन उस टाइम वीडियो अपलोड नहीं की थी गाइस, हम तो उस टाइम ऐसा नहीं अच्छा इतना नज़ारा अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन इस टाइम गाइस देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।
तो गाइस हम लोग का दर्शन हो गया है, बाहर आ गए हैं, चलते हैं यहाँ खा भी वहाँ पैसा पेमेंट करेंगे और देखिए हम लोग लेंगे घर। देखिए विजय भैया आ गए यहाँ पे और किशन दिया गया, हम लोग अभी यहाँ पे आए फोटो लेंगे, फोटो थोड़ा सा मोबाइल हम लोग को वीडियो सही आ जाएगा इस सब लोग गाइस आ जाओगे, सब लोग आ जाओगे वीडियो में, अभी गाइस हम लोग फोटो शूट कर लेंगे, दर्शन अच्छे से हो गया माँ का, सपोर्ट करो भाई, थोड़ा आगे लेकर चलो सब लोग, और आज का ब्लॉग बस यही रहेगा और आज का शाम तक ब्लॉग नहीं बनने वाला, यही जो ब्लॉग बनाए यही तक, आज बस माँ का दरबार का जो दर्शन कराए आप लोग बस वही ब्लॉग रहेगा गाइस। दे सकते हैं विजय भैया बैठे कैसे बैठे हैं भाई, आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा वीडियो शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए, आप लोग दर्शन करिए, और देख सकते हैं कोतवाली मार्ग के दुकान नंबर 12 के सामने है, यहाँ से आके आप प्रसाद ले सकते हैं, कम्प्रोमाइज करके भैया दे देंगे आपको, हम लोग अपना प्रसाद ले लिए, अब जल्द ही घर निकलने वाले हैं, बहुत लेट हो रहा है, तो आप भैया बता दीजिए अपना एड्रेस बता दीजिए क्या आपकी दुकान का, कोतवाली गली दुकान नंबर 12, गाइस आके यहाँ पे आप हाँ आके ले सकते हैं, जैसे सकते मंदिर जस्ट सामने ही है, स्टार्ट कर दिया है और बैठो विजय भैया, तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं, मुझे बैठने दो यार, नीचे चले क्या नीचे बैठते हैं, कैसा नीचे और यहाँ पे ना, जय माई की जय विश्वासी। अगर गाइस आप विंध्याचल दर्शन करने आए हैं, जब तक यहाँ जैसे दर्शन करने का अगर लाल भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपका दर्शन मतलब वो पूरा होगा ही नहीं, अधूरा रह जाएगा ना विजय भाई, विजय भैया बताए हमको, तो यहाँ पर दर्शन कराए लाल भैरव बाबा का, देख सकते हैं आप विंध्याचल से दर्शन करने के बाद गाइस यहाँ जरूर आइए दर्शन करने, आपके दर्शन पूरी तब तक नहीं होगी जब तक आप लाल भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे, और काल भैरव बाबा का आपको यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है। अभी गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए फोटो शूट करने के लिए, ऊपर ही चढ़ना है, ये नीचे से लो जल्दी चलो, नीचे का व्यू देखिए, नीचे एक औरत है वो गाय चला रही है यहाँ पे, हम लोग पहाड़ पे चढ़े गाइस, पहाड़ पे चढ़ना चाहिए लेकिन अभी नहीं टाइम नहीं, खाली हो के एक दिन हम लोग आते हैं गाइस, देखिए नीचे से कितनी नीचे से गाइस उसका पिलर है, ये क्या है विजय भैया क्या है ये, कोई किला है राजा महाराजाओं का, बहुत पुराना, कितना पुराना होगा, बहुत पुराना होगा ना ये, गंगा जी भरत ही होता है, हो गया अब हम चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, नीचे नहीं गिरेंगे यहाँ से आप, हम नीचे तो उतर जाते हैं यहीं से, दर्शन करने के बाद गैस लग गया भूख, क्योंकि हम लोग दर्शन करने आए थे तो भोजन कर यहाँ से नहीं आए थे, तो यहाँ बहुत फेमस है प्रियांशु होटल शाकाहारी भोजन, 70 रुपये प्लेट लगाते हैं, लिट्टी चोखा लगाते हैं भैया, मुंबई का भी लिट्टी चोखा बनाते हैं विजय भैया लेके आए हैं, क्योंकि यही हमेशा आते हैं खाते हैं, तो इन्हीं के कहने पर हम यहाँ पर गाइस आए हैं, हम लोग बैठे हैं अभी, तो ये गाइस हम लोग का प्लेट आ गया यहाँ पे, ये क्या है, खाओ बहुत लिट्टी है, लिट्टी चोखा, ये कैसा लिट्टी है यार, आके देखो पहले तो कहोगे लिट्टी, जो पूरी तरह बना है भैया, विजय भैया कैसा है, विजय तो हमेशा खाते हैं अच्छा बताएंगे, तो गाइस मैं खा के बताऊंगा आज कैसा टेस्ट है यहाँ का, खा के स्वाद बताते हैं आपको गाइस, ये तो पूरी कल लग रहा है किसान यार, ये कैसा लिखती है चोखा गाइस, देखने में अच्छा लग रहा है, अब खा के बताते हैं बहुत मजा आ रहा है खाने में, कस्टमर तो ये इनका प्राइस बताएंगे कितने का प्लेट है, कितना प्लेट है भैया,
मुझे प्लेट चाहिए। क्या बोले सही बताओ, कितने प्लेट है? दस प्लेट चाहिए। चोखा मिलेगा अक्की मिलेगा, मिलेगा चार मिलेगा, चटनी मिलेगा, प्याज मिलेगा। हम लोग खा लिए फर्स्ट टाइम में, था चटनी और वो नहीं दी, चार नहीं दी थी किशन भाई, इतना अच्छा ले लिया सब छोड़ दिया। भी खाएगा भी, ये भी एक पे तौल लेगा। हम लोग वेट करें, आएगा एक पे तौल खाएंगे। ये हम लोग का नहीं खा पाऊंगा, पानी पी रहे हैं भैया अभी वहाँ पे तैयार करे प्लेट भैया। ये सब मचा का चार है और ये प्याज, प्याज तो हमने लिए दोबारा, तो भैया प्याज लेके आ गए। और भैया देखिए प्याज दे दिए हमको भी, कितना देखिए। और चटनी कहाँ पर है? चटनी इधर मिल गया, मिक्स कर लिया। तो पाँच प्लेट खाएंगे, पाँच प्लेट खाएंगे हम लोग। नहीं तो गाइस, अगर आप भैया के लिए खाने आना चाहते हैं तो आपको पता बता दें, सबसे सिंपल पता है। देखिए जैसे आप शास्त्रीपुर क्रॉस करेंगे, शास्त्रीपुर क्रॉस करते ही बाएं साइड भी है भैया की दुकान, दे सकते हैं। ये शास्त्रीपुर है, ये इन दो है शास्त्रीपुर, और बाएं साइड यहाँ देखिए, यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस, 10 प्लेट दिए भैया, बहुत अच्छा लगा खाने में भी, मजा आ गया। चले अब हम लोग चले घर, अभी दीजिए भैया को उनको घर छोड़ दिए। हम आ गए हैं घर अभी, और किशन गया तो मौसम थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है आज का, देख सकते हैं गाइस बारिश का मौसम खराब दिख रहा है। तो हम लोग सही वक्त पे दर्शन करके गाइस घर पे आ गए अच्छे से। मौसम गाइस इस टाइम धूप नहीं हुआ है, बदल घिरा हुआ है और हवा चल रहा है, और इस टाइम ठंड भी लग रहा है, ठंडा लग रहा है मौसम। और चलिए सुबह जाते वक्त हम लोग को लग रहा कि गर्मी होगा गाइस, ठंड नहीं लगेगा, लेकिन सुबह वक्त ठंड लगा था, और आते वक्त भी धूप हुआ ही नहीं तो हवा चल रहा है तो ठंड लगा था। लेकिन आ गए, दर्शन सब हो गया अच्छे से। तो लिट्टी जो का खाए भैया वहाँ पे, विजय भैया बोले बहुत अच्छा रहता है, वो विजय भैया हर मंगलवार को जाते दर्शन करने गाइस, इसलिए वो उनको मालूम था वहाँ पे, तो वो हम लोग को वहाँ पर लिट्टी चौखा खिलाएँ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आज का वीडियो मैं यहीं पिन करता हूँ, वीडियो अगर लंबा हो जाएगा, अगर साफ तक बनाता हो जाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा गाइस ना भूलिए, करना ना भूलिए, जिससे कि अगर हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसमें नोटिफिकेशन को मिलती रहे। तो मिलते गाइस एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।